ये बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आदरणीय प्रहलाद जी का कि ये आज ये समा ऐसा हुआ है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूँ जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं कहा। ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई गोविंदा, ये रिलीज कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया है कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई, उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली, मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है, चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई, आप सब जो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे, इसे कहां से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं, यह तो हद हो गई। अब यह सोचने का विषय है, एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। फिटनेस फैक्ट्री एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, पार्ट ऑफ द अपार्ट क्लास है। इसमें द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमने सारी की सारी फैसिलिटीज जो है एक ही स्टोर पे दे दी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू हैव टू फिटनेस ले लीजिए, जुम्बा ले लीजिए, योगा, पावर योगा, डांस, स्पिनिंग स्टूडियो, इसे 24/7, एंटायर थिंग इज अंडर वन रूफ। दिस इज ऑल अबाउट फिटनेस फैक्ट्री। वी आर कमिंग अप विद द वेरी न्यू थिंग्स दैट अदर जिम्स डोंट हैव एज ऑफ नाउ।
बिफोर स्टार्टिंग दिस फिटनेस फैक्ट्री दैट माय पार्टनर मिस्टर दीपक पाठक वी हैव विजिटेड ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज टू स्टार्ट अप दिस फिटनेस फैक्ट्री. व्हाट इज द इंटरनेशनल लेवल ऑफ द जिमिंग? वी आर प्रोवाइडिंग द इंटरनेशनल ऑफ द जिमिंग इन इंडिया नाउ. दिस इज आवर सेकंड ब्रांच सक्सेसफुली. फर्स्ट ब्रांच इज कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर इन नेक्स्ट मंथ ऑन 17th ऑफ अगस्त. सो दिस इज आवर सेकंड ब्रांच. वी आर कमिंग अक्रॉस इंडिया विद द ब्रांच. गोविंदा सर, आप फिटनेस के लिए कितने कॉन्शियस हैं और किस तरह रोजाना कुछ करते हैं फिटनेस के लिए? क्या आपका रेजीम होता है? मैं आजकल स्पीचेस नहीं देता. What I want to say that I would like to congratulate to Deepak ji, Jatinder ji, aap. ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे. थॉट इसमें ये अच्छा लगा कि यू डोंट हैव टू रश फ्रॉम हियर टू देयर कि ये चीज़ के लिए उधर निकले फिर ये चीज़ के लिए उधर रश कर रहे हैं, ऐसा नहीं. एक जगह पे आपको ऐसे सुविधाएं हो जाए जहाँ पे तकलीफ नहीं हो किसी प्रकार की. और साथ साथ जो मुझे लगता है, जैसे मैं हूँ, मैं योग प्राणायाम ज़्यादा किया करता हूँ और योग प्राणायाम के साथ जिम में आ पाए तो ऐसा माहौल मिल जाए कि ऐसा लगे कि भैया ये सब जो हो रहा है सब नेचुरल है. और साथ साथ यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगे कि यह आप थोड़ा जिम करें और थोड़ा अपना अपने आप रिफ्रेश हो जाए, ऐसे वर्क करें. और टीना यहाँ पे कह रही थी कि आप यहाँ पे आप आइए और आप मुबारकबाद देना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ. मेरी फिल्म का सुपरहिट गाना था जोरू अगला बन के रहूँ. तो सुनीता इज सेइंग कि आप यू हैव टू गेट जॉइन विद दिस. व्हाट आई वांट टू से, विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासव यद् भद्रं तन्नासव त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वन्दनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव. वो इसलिए कि आप इफ यू आर फिट देन यू हिट. आपकी ज़िंदगी में पहला सुख जो है और जो कष्ट से पहले कष्ट से जो निकालता वो आपका अपना स्वास्थ्य. तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये मैंने ही पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था और वो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये माहौल मिलेगा. तो गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट. आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट. आपने बीच में आपका वजन बढ़ा दिया था इस साल के बाद, स्लिम एंड फिट, तो वो प्रोसेस आपने भी देखा है, तो उसके लिए क्या क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो पहले फिट थे बीच में शायद कुछ कारणों से नो दे आर नॉट बैक, फिर वापस से वो मेहनत करके आए, तो कुछ आप अपनी बीती हुई एक्सपीरियंस या उनके लिए शेयर करो. मैं मेरी बीती यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, प्लीज. एक मिनट किशन जी से क्या भाई, थोड़ा बहुत आपने भी तो बहुत मेहनत की है. हाँ, मैं मेहनत तो किया ही करता हूँ, जैसे उसका पर्याय नहीं है मेरे पास. यू हैव टू वर्क हार्ड. और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में हीरो तो हुआ ही करता है और उसका जो एक्टर है उसका जो मुझे लगता है कि एक्टर का जो फैक्टर हुआ करता है वो फिटनेस फैक्टर से वो कैसे इम्प्रूव करे लाइफ के अंदर, आगे निकले और हार्डवर्क करे, यही जो है महत्वपूर्ण होता है. मेरी अपनी सोच है. गोविंदा जी, यंग स्लॉट में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, आपके हिसाब से कौन फिटेस्ट एक्टर है अगर यंग स्लॉट की बात करें? वरुण, रणबीर है, कौन है आपके हिसाब से फिटनेस में आज की तारीख में? बिना पैसे लिए तारीफ कौन कहाँ हो. मुझे ऐसा लगता है कि जो जो अंदर जो फिट हुआ करते हैं जो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है. ऐसा लगे कि जो सही है, मतलब ऐसे फ्रेम बहुत अच्छा नज़र आए और अंदर से पार्टी हिली हुई हो. आई मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो आदमी फिट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो फिटनेस एक्टर बोलना सर, आजकल लोग इंटरनेट से काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं फिटनेस के लिए, काफ़ी ब्लॉग लेते हैं, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसा भी होता है जो यू नो इट्स नॉट वेरी करेक्ट, इट्स नॉट वेरी वैलिड. तो आप उनके लाइक आपका
क्या व्यू है इस पे, यू नो आप क्या कहते हैं कि फिटनेस के लिए लोगों ने इंटरनेट से ही नॉलेज देना चाहिए या यू नो दे शुड फॉलो समथिंग? हर आदमी समझता है कि वो क्या सही है और थोड़ा वर्क करे, एकदम जिस वक्त समझ रहा हो तो वो कहते हैं वो फास्ट नहीं करे, थोड़ा अपना सोच के समझ के हार्ड वर्क करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप कह रहे हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब तो मैं पॉलिटिकली यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज। आप हंसी नहीं, आप हंसी नहीं, कृपया यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा प्लीज, क्षमा प्रार्थना। मैं खेत प्रकट करूँगा क्योंकि वो मेरे सीनियर रह चुके और दुख है मुझे। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ पे किस वक्त, तो मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ मेरे पूरे घर परिवार से की तरफ से, क्योंकि वो मेरे सीनियर रह चुके हैं और बहुत ही उनका जो स्वभाव था वो प्रेमपूर्ण था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा में शांति। बेसिकली प्रोस्लम इज अ कॉन्सेप्ट वेर इन आप एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया में अगर इंच लॉस, कॉन्टूरिंग, टाइटनिंग, टोनिंग, ऐसा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फिटनेस फैक्ट्री के साथ हमने प्रोस्लम का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा है। द वे जतेंद्र एंड दीपक जी हैड अ कॉन्सेप्ट कि एवरीथिंग हैज टू बी अंडर वन रूफ। सो आई एम इन टू इंडस्ट्री ऑफ स्लिमिंग पास्ट 18 ईयर्स, तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई भी तरीके की मेडिकल इश्यूज हो और हम कोई भी तरीके से वो अगर हमारे द्वार पर आए तो उसकी सारी पर्पस हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी सारे आर्थराइटिस लोगों को यू नो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम ना करो तो वो हमसे निराश होके ना जाए। सो एवरी पर्पस इज सॉल्व व्हेन अ पर्सन एंट्री इन साइड दी फिटनेस फैक्ट्री इन प्रोस्लम। सो वी आर हियर इन मुंबई टू क्रिएट द जेन्युइन अवेयरनेस how fitness will go and will make everybody to lose weight and feel great. Okay? Dude ji kabhi muscle ko kisi ko muscle ke liye kabhi kaam hum kabhi hua rehta kabhi mujhe aisa lagta hai basic technique for all technicalities is a fitness. To aap aur ye fitness factory hai to it's a basic technique for all type of टेक्निकलिटीज़ की यहाँ से ये शुरुआत होती है। तो आप जितनी ज़्यादा टेक्निकली आप करेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बिना पैसे लिए ये सब क्या कर रहे हो? मैं डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज़, क्योंकि जितनी टाइम मैं ये आप लोगों के ने पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देता हूँ उसे अपने अपने तरीके से लोग छाप के प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसमें से फिर और टॉपिक निकलता है। क्या डिस्कस करना है? हाँ, पर लोग ये कहेंगे कि कमेंट किया ही नहीं तो छापेंगे नहीं। इस विषय पे अभी चर्चा नहीं कीजिए, डिस्कस नहीं कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम जीवन में अपनी स्वस्थता का ख्याल किया करते हैं उस तरह से जो हम टॉपिक निकाल रहे होते हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब हर हाल में। क्या डिस्कस करना है, ये सब काम करें, हार्डवर्क करें, आगे निकले। वर्क हार्ड। दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे, यू आर आल्सो द पार्टनर गोविंदा जी, आज उनके शुभ हाथों से यहाँ जो ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे ड्रीम हीरो रहे हो, मतलब जिंदगी में सबको हंसाते रहे, जो बहुत जरूरी है अच्छे हेल्थ के लिए। वो मुझे बचपन से भी इनका फेवरेट, मतलब मुझे फेवरेट हीरो रहे मेरे उनका। और हेल्थ इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अवेयरनेस है, हम लोग काफ़ी पीछे गए। तो हमने मेरे पार्टनर से डिस्कस करके, जतेंद्र जी से डिस्कस करके,
इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब मीडिया पीपल से भी मेरी अनुरोध है कि आप भी एक बार ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देखिए। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी जिम में आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिले, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरी और सर की कोशिश रही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट हमें इंडस्ट्री को क्या दे सकें। एक बहुत सिंपल सी चीज, समाज में अच्छा काम ऐसा करते रहें जो सबको हेल्प भी दें, प्रॉस्पेरिटी दें और साथ में हम भी प्रॉस्परस हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। एक हेल्दी क्वेश्चन है सर, इससे रिलेटेड नहीं है, महमूद साहब से आपका जन्मदिन आ रहा है सर, आपका भी कोई हाथ कॉमेडी में पकड़ नहीं पाया अभी तक, वो भी लेजेंड है, एक लेजेंड अगर लेजेंड के लिए कुछ कह दे सर तो महमूद साहब। वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा उत्तम कलाकार, मुझे लगता है कि मैं तो नहीं देखा भैया महमूद जी जैसा, मतलब कि वो प्रसिद्ध हुए अपनी कॉमेडी के लिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिनय वो करते थे, जिस तरह के वो किरदार निभाते थे, चाहे जिस टाइप के हों, वो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल करते थे और न भूतो न भविष्यते टाइप का वो वक्त था। और आज भी मैच नहीं उस लेवल के, मुझे मतलब मैं क्षमा मांगना चाहूँगा सब आर्टिस्ट लोगों से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो उस हद में थे। और बहुत कमाल की बात है, जो लोग जिससे अवगत नहीं होंगे शायद, कि वो बहुत ही सूफी थे और एक अलग लेवल पे उनकी सोच चलती थी। मुझे उनके साथ में जितना मैं फिल्म लाइन पर डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा बहुत सूफी थे और बहुत ही अच्छी नेचर थी, वेरी नाइस पर्सन।